सारा अली खान की अपकमिंग हिस्टोरिकल थ्रिल ड्रामा फिल्म ए वतन मेरे वतन मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर हमें सारा अली खान लीडिंग रोल में देखने को मिली है। और वह इस फिल्म के अंदर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1942 में रेडियो के जरिए लोगों के अंदर भारत की आजादी को लेकर जागरूकता फैलाई थी, उनका रोल कर रहे हैं, जिनका बहुत ही बेहतरीन योगदान भारत की आजादी में माना जाता है और भारत के लोगों को जागरूक करने में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया था। तो आइए बात करते हैं कि ए वतन मेरे वतन मूवी का ट्रेलर कैसा और ये फिल्म कब और कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहा इस तरह के वीडियो बनाने के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें मूवी की स्टोरी की तो स्टोरी भारत की आजादी के पूर्व की होने वाली है, जहां पर एक स्वतंत्र सेनानी का रोल करेंगे। तो ए वतन मेरे वतन मूवी की स्टोरी 1942 में सेट होने वाली है, जहां पर रेडियो के जरिए भारत के लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी और अंग्रेजी सरकार द्वारा उस रेडियो को बंद कराने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की जाने वाली है, पर यह यंग लड़की उस रेडियो को बंद नहीं होने देने वाली है। और इसी के साथ में मूवी की ये भी दिखाया जाएगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार करते थे, और यह भी दिखाया जाएगा कि हमारे देश के लोग ऐसा सोचते थे कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चलेंगे तो हमारा देश कैसे चलेगा। यह पूरी मेंटेलिटी हमें इस मूवी के अंदर दिखाई जाने वाली, जो बहुत ही कमाल की होगी। मूवी एक बहुत ही कमाल की थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जहां पर हम बहुत ही कमाल की स्टोरी के साथ में हमारे स्वतंत्र सेनानी कैसे सोचते थे और कैसे काम करते थे और कैसे भाषण उस वक्त दिए जाते थे और कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती थी, यह सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा। और इसके साथ में मूवी के ट्रेलर में यह भी बताया गया है कि 1942 के वक्त हमारे लोगों की मेंटेलिटी कैसी थी और वह सोचते थे कि अंग्रेज हमारे देश को चला रहे, ये सब कुछ दिखाया जाएगा, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। मूवी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी, जिसके अंदर हमें परफॉर्मेंस सही होगा तो ये फिल्म बहुत ही कमाल कर सकती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बेहतरीन और अलग लग रहा है, पर बहुत ही अलग कहानी है को एक्सप्लोर किया जा रहा है। मूवी के अंदर हमें लीड रोल में सारा अली खान देखने को मिलने वाली है, जो इस फिल्म के अंदर एक स्वतंत्र सेनानी का रोल कर रही है और उनकी एक्टिंग ठीक ठाक लग रही है। उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा भी बेहतरीन नहीं है और वह इतनी एक्टिंग खराब भी नहीं है। मूवी के अंदर नहीं दिख रहे पर उनकी आवाज में जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए वह मुझे फिल्म के अंदर नहीं फील हो रही है। इसी के साथ में ऐसा भी बताया जा रहा है कि इमरान हाशमी का भी मूवी के अंदर एक छोटा सा कैमियो होने वाला है। अब देखने की बात है कि इमरान हाशमी की स्वतंत्र सेनानी का रोल इस फिल्म के अंदर करने वाले हैं। मूवी थिएटर के अंदर रिलीज नहीं होगी, बल्कि यह फिल्म डायरेक्ट OTT पर रिलीज होने वाली है, Amazon प्राइम पर रिलीज होने वाली है। और यह Amazon प्राइम की ओरिजिनल फिल्म होने वाली है, जहां पर इसे धर्मा प्रोडक्शन द्वारा बनाया गया है और करण जौहर ने इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। मूवी ऑफिशियल रिलीज डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। फिल्म हमें थिएटर के अंदर कब देखने को मिलने वाली है, OTT प्लेटफॉर्म कब देखने को मिलने वाली है, तो मूवी की रिलीज डेट 21 मार्च को रखी गई है, यानी इसी महीने के अंदर हमें Amazon प्राइम पर यह मूवी देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो, आपने ट्रेलर देखे देखा ट्रेलर देखे और मूवी को जज कीजिए कि आपके हिसाब से मूवी कैसे होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप भी कोई अपडेट मिस न कर सके। जब तक मुझे दे इजाज़त, बाय बाय।